नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। हम पांच बार के विधायक हैं और एक बार के विधायक मंच के ऊपर कुछ ऐसा ही कहते हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में भड़क गए बीजेपी के एक नहीं दो विधायक। आगरा में देश की पंचायतों के विजन 2047 एक्शन प्लान पर मंथन के लिए आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल और छोटेलाल वर्मा ने तब हंगामा कर दिया जब उन्हें मंच पर जगह नहीं मिली। इस पर उन्होंने पंचायती राज विभाग के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। एक वीडियो में भाजपा विधायक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए भी दिखाई दिए। भाजपा विधायकों की नाराजगी को देखते हुए अधिकारी लगातार उन्हें मनाने का प्रयास करते रहे, लेकिन विधायकों की नाराजगी कम नहीं हुई। भाजपा विधायकों और अधिकारियों के रूठने मनाने का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो की पूरी कहानी जानने से पहले आप भी देखिए वह वायरल वीडियो। बता दें कि आगरा के एक होटल में मंगलवार को पंचायती राज मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। इसमें देश की पंचायतों के माध्यम से सेवा वितरण को जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण और सुदृढ़ बनाने पर चर्चा हो रही थी। इस सम्मेलन में मंच पर जगह न मिलने से भड़के विधायक ने कहा कि हम नहीं होंगे तो सरकार भी नहीं होगी। हमें क्यों बुलाया था, अपमान करने के लिए बुलाया था। वह वीडियो में यह भी कहते नजर आए कि पांच बार के विधायक को नीचे और एक दो बार के विधायक को ऊपर क्यों बैठाया गया है। वह इसे लेकर अफसरों पर खासा नाराज नजर आए। इस दौरान मंच पर मौजूद राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर कुछ नहीं बोल पाए। दोनों भाजपा नेताओं की नाराजगी सुनते रहे। इस मंच पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान, जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया के साथ ही विधायक पच्छालिका सिंह को जगह दी गई थी। अधिकारी भी इसी मंच पर बैठे थे। विधायक चौधरी बाबूलाल, छोटेलाल वर्मा और पुरुषोत्तम खंडेलवाल को मंच पर जगह नहीं मिली। इसी बात पर विधायक छोटेलाल वर्मा और चौधरी बाबूलाल भड़क गए। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा विधायकों की नाराजगी चर्चा का विषय बनी। फतेहाबाद से भाजपा विधायक छोटेलाल वर्मा भाजपा से बगावत कर चुके हैं। वर्ष 2002 में वह भाजपा के बैनर तले विधानसभा सीट से ही विधायक चुने गए थे, मगर टिकट न मिलने पर उन्होंने 2007 में भाजपा छोड़ दी थी। 2007 के चुनाव में वे इसी सीट से सपा के प्रत्याशी रहे, लेकिन चुनाव हार गए। 2012 के चुनाव में उन्होंने एक बार फिर पार्टी बदल दी। वह चुनाव उन्होंने बसपा के बैनर पर लड़ा और चुनाव जीते भी। 2022 के चुनाव से पहले वे भाजपा में शामिल हो गए और चुनाव जीते, जबकि विधायक बाबूलाल कई बार अपने तेवर दिखा चुके हैं। भाजपा में आने से पहले वे राष्ट्रीय लोकदल में सक्रिय थे, आरएलडी से विधायक भी रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव में वे भाजपा में शामिल हो गए और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद बन गए। 2019 में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसके बाद 2022 में उन्हें फतेहपुर सीकरी विधानसभा से आरएलडी ने टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। ये तो है भाजपा के नाराज उन विधायकों का रिपोर्ट कार्ड जिनके बारे में हमने बताया। इस पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।
खबर आपकी नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।